आगामी चुनावों में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने और लोगों को वोटिंग के अधिकार के प्रति जागरूक करने इंदौर में व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2018 में इंदौर जिले के मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए इंदौर में वोट फॉर इंदौर वोट मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में हर वर्ग और उम्र के लोगों ने उत्साह से भाग लिया और लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी सहभागिता दर्ज करने का संकल्प लिया। स्थानीय नेहरू स्टेडियम में हुई इस दौड़ में सबसे आगे दिव्यांगजनों को रखा गया और उनके लिए पृथक से एक संक्षिप्त मार्ग तय किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की सुगम मतदान की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस बार दिव्यांगजनों की मतदान में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज इस दौड़ में भी इस विशेष वर्ग के मतदाताओं को खास महत्व दिया गया था। दौड़ को लेकर सुबह स्थानीय नेहरू स्टेडियम से IG मिलिंद कानिस्कर, DIG हरि नारायण चारी मिश्र और जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए नेहरू स्टेडियम पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर दौड़ के भागीदारों को मतदान का संकल्प दिलाया गया। आयोजन में जिला प्रशासन और पुलिस और अन्य वरिष्ठ उसी वोटिंग डे पे हम लोग सभी लोग वोटिंग डे पे सभी लोगों को लाने के लिए यहाँ शपथ ला रहे हैं, रन करा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है कि सभी लोग अपना वोट 28 नवंबर को जरूर दें। जबरदस्त उत्साह जगाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन, इंदौर के जिला अधिकारी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 28 नवंबर को आने वाला जो मतदान का दिवस है, उस दिन समस्त नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं मतदान करने के लिए प्रेरित हो, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है।